अभी दिल्ली पुलिस पे भी सवाल उठा, एक खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस पहलवानों को सुरक्षा देगी और जल्द ही 7 खिलाड़ियों के जो बयान दर्ज करेगी जो शिकायत करते हैं। ये जो कोई मेहरबानी नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, एक और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कल का आपने सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश नहीं पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस यदि ये नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। एक और सवाल है इससे से जुड़ा हुआ, बार बार ब्रजभूषण सिंह आप पर आरोप लगाते हैं कि ये पहलवानों के विरोध के माध्यम से राजनीति की जा रही है, हरियाणा की राजनीति दिल्ली की सड़कों पर और या राष्ट्रीय राजधानी में पहुंची है। धन्यवाद इसका प्रश्न, ये प्रश्न पूछने के लिए। ना सिर्फ पूर्णतः निराधार और रेसलिंग फेडरेशन की जो ये बात कह रहे हैं कि भाई पद, रेसलिंग फेडरेशन के पद और राजनीति का मेरा कोई ना इरादा है ना कोई इच्छा है। आज हुड्डा सरकार की खेल नीति की चर्चा देश भर में खिलाड़ियों में है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है हमारे लिए। और मैं पूर्णतः हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूं, देश की राजनीति में व्यस्त हूं। जो अपने आरोपों को ढकने के लिए इस तरह की का झूठ का सहारा लेके या तो वो ये समझते हैं कि झूठ बोल के आरोपों को ढक लिया जाएगा, या सोचते हैं कि झूठ बोल के कहीं हम अपनी बेटियों के साथ खड़े नहीं होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, हम अपने बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। हमारे बेटियों का, हमारे लिए बेटियों का सम्मान, बेटियों के लिए न्याय, उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। आप जो है हमें न्याय दो, हमारी सरकार से यही मांग है, ना न्याय से कुछ कम लेंगे ना न्याय से कुछ ज्यादा लेंगे।